हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। अभी दोस्तों अभी हम थोड़ा डेप्थ में जाने वाले हैं जेनेटिक एल्गोरिथम को समझने के लिए, उसके हर एक ऑपरेटर को खोल के देखने वाले हैं कि उसका मतलब क्या है, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, वो कैसे होता है, उसमें कौन कौन से टाइप से कौन कौन सी स्कीम्स है, वो सारी चीजें दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं। शुरुआत कर रहे हैं पहली बात तो एनकोडिंग से। भाई ये एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग स्कीम्स क्या क्या होती है, उसकी जो सबसे बेसिक और प्रिमिटिव स्कीम है दैट इज अ बाइनरी एनकोडिंग, इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों अगर आपने जेनेटिक के फ्लो चार्ट को अगर ढंग से देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में, तो वहां पे सबसे पहला जो मॉड्यूल था वो क्या था कि वी हैव टू क्रिएट द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ सम साइज से n, बराबर। तो हमें क्या करना है, एक इनिशियल पॉपुलेशन हमें चाहिए, यानी कि हमारे हाथ में एक कोई तो करंट जनरेशन चाहिए, उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स को पकड़ के हम आगे की जो जनरेशन है उसके लिए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि यूजिंग द करंट जनरेशन वी आर गोइंग टू जनरेट द नेक्स्ट जनरेशन, बराबर। तो यहां पे हमें इनिशियल पॉपुलेशन चाहिए। तो इस इनिशियल पॉपुलेशन को क्रिएट करने के लिए जो एक चीज हम यूज कर सकते हैं वो है भैया ये एनकोडिंग ऑपरेटर्स, और उसमें हम वो एनकोडिंग स्कीम्स को यूज कर सकते हैं। और उसके सबसे बेसिक नमूना जो है, प्रिमिटिव नमूना जो है, वो है हमारी बाइनरी एनकोडिंग स्कीम। इसके बारे में आज हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं। बाइनरी एनकोडिंग स्कीम में दोस्तों हम लोग सिर्फ दो चीजों के साथ डील करते हैं, एक तो है जीरो, एक तो है वन। अभी तो हम कंप्यूटर फील्ड वाले हैं यार, हम इन दोनों से डील करते आ रहे हैं, जीरो है वन है, जीरो है वन है, वही चीजें अभी हम लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। दो एग्जांपल के साथ अच्छी तरीके से समझेंगे क्या भैया कॉन्सेप्ट है, क्या माजरा है इसको। एक और सबसे पहले बिफोर मूविंग टू दिस एग्जांपल, ये चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लो, इसको दिमाग में छाप लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये एक विजुअलाइजेशन है आपका, ठीक है। अब इसको विजुअलाइजेशन को मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे पहली बात तो ये जो आपको दिख रहा है ना, वन टू थ्री फोर, दीज आर द सिंपली इंडिविजुअल in the population, बराबर। ये पूरा जो स्लॉट दिख रहा है ना, this whole slot is nothing but a population, और उसमें जो ये आपको टेप टाइप दिख रहा है ना, these are nothing but the individuals। ये individuals को आप as a possible solution की तरफ भी देख सकते हो, you can consider these individuals as a possible solution to the problem that the genetic algorithm has taken in hands to solve, बराबर। तो अभी यहाँ पे मैं इसको as a individual की तरफ देख रहा हूँ, और individual can be considered as a possible solution to the problem, बराबर। तो अब ये जो सॉल्यूशन है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे ऐसा कौन सा नाम दे, ये कहां से लिया गया है। तो मैंने जैसे बताया था कि जेनेटिक एल्गोरिथम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम या फिर बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, तो यहाँ पे जेनेटिक्स के कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों हर एक इंडिविजुअल है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ क्रोमोसोम, बराबर है कि नहीं। सो दिस इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम, बराबर। दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम। तो जितने आपके अंदर इंडिविजुअल्स होंगे, सो दोज ऑल इंडिविजुअल्स कैन बी सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन टर्म्स ऑफ जीन्स, जो आपकी जीन्स होती है। तो वो क्रोमोसोम्स में आपके क्या होंगे, जीन होंगे, एंड देयर आर गोइंग टू बी वेरियस जीन्स इन वन क्रोमोसोम। तो वो जो एक सिंगल यूनिट है ना आपके क्रोमोसोम की, आप उसे जीन बोलते हो, बराबर। सो दिस इज योर जीन। तो ये फंडा तो क्लियर हो गया कि भाई इंडिविजुअल्स कैसे हैं, पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स कैसे हैं, इसे हम लोग एज अ क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसे हम एज अ सॉल्यूशन ट्रीट कर सकते हैं फॉर अ प्रॉब्लम दैट जेनेटिक एल्गोरिथम हैज टेकन इनटू हैंड्स टू सॉल्व, बराबर। तो यहां पे हम लोग इसे कैसे देख सकते हैं कि इफ दिस इंडिविजुअल इज अ सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो जब हम इसको कलेक्ट अप करते हैं एज अ वन कलेक्शन करते हैं, तो उसे हम एज अ पॉपुलेशन कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ सिंपली पॉपुलेशन, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे मूव ऑन करते हैं और थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इन चीजों को। सबसे पहले बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें बाइनरी एनकोडिंग लगा के देखते हैं कि भाई ये होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक फंक्शन है, यानी कि एक प्रॉब्लम है, समझ लो, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स This will return a maximum value, okay? मतलब हमें maximum result चाहिए, we want the maximized result, और ये हमारे पास problem दे रखा है, f of x is equal to x, तो भाई वो कौन सी x की value है, जिसके लिए हमें maximum result मिलेगा for this particular function, तो जो हमारी x की value वो भी दी उन्होंने कि कहां से कहां range करती है, 0 से लेके 255 including both of them, तो ये उसका range है x का, correct or not? अभी हमें find करना है solution for this given problem, तो वो कैसे किया जाए, तो simply इसके जो possible solutions है, उसको हम represent कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, बराबर। और ऐसे कई सारे जब क्रोमोसोम्स इकट्ठा हो जाएंगे उसे हम बोल सकते हैं एज अ पॉपुलेशन, बिकॉज़ एन इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 255 इज द लास्ट डिजिट, तो इसे हम लोग कितने बिट्स में मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 बिट डिजिट,
मतलब 8 बिट्स में हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए पूरी पॉपुलेशन में से मैंने एक रैंडमली कोई तो एक इंडिविजुअल उठा लिया, और उस इंडिविजुअल ऑब्वियसली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रोमोसोम, तो उस क्रोमोसोम का जो नंबर वैल्यू थी वो 155 थी। तो अभी इस 155 को हमने बाइनरी डिजिट्स में एनकोड किया है। यहाँ पे क्या किया है, ये जो 155 वैल्यू थी जो कि एक इंडिविजुअल होल्ड कर रहा था एज अ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम, दिस कैन बी एनकोडेड इन टर्म्स ऑफ अ बाइनरी। तो हमने उसे क्या कर दिया, बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया by using 8 bits। हमारे यहाँ पे सिर्फ इस प्रॉब्लम में एक ही पैरामीटर है जो कि है x, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि हमारे जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रॉब्लम का, उसको अचीव कर सके। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम, कि हमें मैक्सिमम सॉल्यूशन चाहिए, और वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 155 कैन बी अ सॉल्यूशन। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ सॉल्यूशन, इट कैन बी अ। एक और उठाया और देखा भाई ये है, एक और इंडिविजुअल उठाया तो उसकी जो वैल्यू थी वो 255 थी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ 8 बिट डिजिट्स, तो वो सारे वन हो गए बराबर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे सारे और भी कई सारे होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ वैल्यूज कैरी आउट कर रहे होंगे, उन वैल्यूज को हमने उनके क्रोमोसोम में एनकोड कर दिया होगा इन जस्ट जीरोज एंड वन। तो ये याद रखने जैसे जरूरी है दोस्तों कि जो हमारा बाइनरी एनकोडिंग है इसमें हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, कि जो ये हमारा क्रोमोसोम है ना, इसे हम सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द स्ट्रिंग और बिट स्ट्रीम ऑफ जीरोस एंड वंस। बस ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हम अपने जो क्रोमोसोम्स, ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम है, तो ये जो क्रोमोसोम है इसे हम इन द बिट स्ट्रीम ऑफ जीरोस एंड वंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपली। ये मीनिंग अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो मैं कन्वे करना चाहता था इस वीडियो के थ्रू आपके दिमाग में पहुंच चुका है ये इजी एग्जाम्पल के साथ। ऐसे बहुत सारे और जोड़ लो और जब हम इनको टुगेदर कलेक्टिव करते हैं दोस्तों तो दिस फॉर्म्स माय पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हम लोग एक एनकोडिंग स्कीम, एनकोडिंग ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं इन द ऑब्वियसली इनिशियलाइजिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया काम। एक और चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल था, अब एक और जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की तरफ, नैपसैक प्रॉब्लम, और उसमें भी स्पेसिफिकली 10 नैपसैक। मतलब क्या कि मैं तो एक पर्टिकुलर आइटम को इंक्लूड करूंगा पूरी तरीके से या फिर पूरी तरीके से इंक्लूड नहीं करूंगा। यहाँ पे हम फ्रैक्शंस की बात नहीं करते, यहाँ पे हम होल आइटम की बात करते हैं। एक तो पूरी तरीके से उस आइटम को इंक्लूड करूंगा या फिर पूरी तरीके से इंक्लूड नहीं करूंगा। इंक्लूड किया तो 1, इंक्लूड नहीं किया तो 0। यही फंडा दोस्तों अभी हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं, यही इन दिस बाइनरी एनकोडिंग। ठीक है, तो अभी हमने करना क्या, इसमें बड़ा सिंपल है, मेरे पास 3 आइटम है, ए बी और सी, बराबर, ये 3 आइटम है एज ए इनपुट, ऑब्वियस सी बात है, और उनके मुझे वेट्स दिए हुए हैं 5 है, 10 है और 15 है, बराबर, और ये जो ब्रैकेट्स में ये उनके प्रॉफिट्स हैं, बराबर, ये उनके प्रॉफिट से रिलेटेड विद द रिस्पेक्टिव एटम, और मुझे जो मैक्सिमम कैपेसिटी दी है वो है 25 की, बराबर, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी 25 की है, उसके ऊपर आप जा नहीं सकते। तो इसे हम लोग जेनेटिक एल्गोरिथम्स के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कंस्ट्रेंट। तो ये कंस्ट्रेंट बहुत जरूरी होता है दोस्तों, और ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि विदाउट ब्रेकिंग दिस कंस्ट्रेंट आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेके आना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट आपको लेके आना है, ये चीज है आपका। ठीक है, तो अभी व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन for this, मैं क्या कर सकता हूं विदाउट ब्रेकिंग द कंस्ट्रेंट, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन, मैं सिर्फ एक ए आइटम को इंक्लूड करूंगा, ओनली ए आइटम को इंक्लूड कर सकता हूं, मैं ए बी को इंक्लूड करूंगा, वेट्स देखो 15 बराबर है, ए सी को इंक्लूड कर सकता हूं इन द बैग ऑब्वियसली, तो ए और सी दैट इज 20 हो गए, 25 के कम है, उसके बाद मैं बी और सी को इंक्लूड कर सकता हूं, 10 एंड 15 25 है। ठीक है, मतलब यहां पे ये जितने भी सॉल्यूशंस दिख रहे हैं दीज आर ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम, लेकिन इसमें से भी हमें क्या चाहिए, ग्लोबल ऑप्टिमा, द बेस्ट, द हाई क्वालिटी सॉल्यूशन चाहिए इन सब पॉसिबल सॉल्यूशंस में से। अभी इन्हें मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हाउ आई कैन रिप्रेजेंट इट, यहां पे भी मैं इनको इन टर्म्स ऑफ 1 इंडिविजुअल या फिर एज अ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर सकता हूं या नहीं, तो मैंने यहां पे इसे ये देख लीजिए, यहां पे 4 क्रोमोसोम्स में हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन को मैंने रिप्रेजेंट यहां पे कर रखा है। कैसे किया, 3 बिट्स ही क्यों ली, बिकॉज़ यहां पे इस प्रॉब्लम में गिवन नैपसैक प्रॉब्लम में मेरे पास 3 एटम्स थे, और मेरे पास 3 एटम्स थे तो मैं हर एक सॉल्यूशन में ये डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे कौन सा एटम लेना है या नहीं लेना है। अगर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो आपने एटम इंक्लूड किया है तो उसके लिए आप वहां पे 1 मार्क करोगे, और अगर इंक्लूड नहीं किया है तो 0 मार्क करोगे। फॉर एग्जांपल मेरा ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, इसके लिए एक इंडिविजुअल तैयार किया जिसे मैं क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट करूंगा, और यहां पे मैंने 100 लिया है। मतलब क्या, ये जो पहला बिट है ये रिप्रेजेंट करता है एटम ए को इंक्लूड किया है या नहीं, दूसरा बिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एटम बी को इंक्लूड किया है या नहीं, तीसरा बिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई
एटम सी को इंक्लूड किया है नहीं, तो ऑब्वियसली वन सिर्फ मार्क किया हुआ है एटम ए के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमने सिर्फ एटम ए को इंक्लूड किया है, बी और सी को नहीं किया है। यही है 01 नैपसैक जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे मैंने उसमें बाइनरी एनकोडिंग स्कीम लगाई है। उसके बाद एक और देखते हैं भाई, ए बी को देखते हैं, जस्ट वी विल सी अगेन ए बी। अभी इसमें क्या है, ए और बी दोनों को इंक्लूड किया लेकिन सी को इंक्लूड नहीं किया इस सॉल्यूशन में, सो दैट इज व्हाई इट इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन and we have to find the optimal solution for this given problem. इसीलिए optimization problem हम लोग mostly genetic algorithms को देते हैं ताकि we can get the global optima. ठीक है, उसके बाद A और C को include किया, A को किया, C को किया, लेकिन B को include ही नहीं किया। फिर उसके बाद B C है, बराबर। अब B C में 0 है, 1 है and 1 है, मतलब मैंने ए को इंक्लूड नहीं किया, बी और सी को इंक्लूड किया, तो अभी ये मेरे क्या हो गए, सारे के सारे मेरे पॉसिबल सॉल्यूशन हो गए। इसमें से अगर एक भी इंडिविजुअल को निकालता हूं तो मैं उसको एज अ पॉसिबल सॉल्यूशन देख सकता हूं, और जब मैं इन सारे इंडिविजुअल्स को ग्रुप अप कर देता हूं, कलेक्ट कर लेता हूं इनटू अ पर्टिकुलर सर्च स्पेस, तो वो जो मेरा बनता है उसे मैं बोलता हूं पॉपुलेशन, जो मैंने यहां पे बताया था, बराबर है कि नहीं। तो ये मेरा एक पॉसिबल सॉल्यूशन, ये मेरा एक पॉसिबल सॉल्यूशन, ये एक मेरा पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये एक मेरा पॉसिबल सॉल्यूशन है, एंड दीज आर नथिंग बट सिंपली इंडिविजुअल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर होल पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, फंडा क्लियर हो गया, दिस इज नथिंग बट अ बाइनरी एनकोडिंग, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। जितनी भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी आई वॉन्टेड टू डिलीवर टू यू विद दिस वीडियो मैं कर चुका हूं, एग्जाम्पल के साथ आपको समझा चुका हूं कि भाई बाइनरी एनकोडिंग क्या होता है विद एग्जाम्पल। आप तक मैंने आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, मेरी मदद आप तक अच्छी होगी। तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जरूर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, बिकॉज एग्जाम काफी नजदीक आ रही है। डू शेयर माय वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।